मध्य प्रदेश के सीधी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल संजय गांधी महाविद्यालय के पास बने बिजली विभाग के अधीक्षक यंत्री कार्यालय के सामने टेंट तंबू तानकर आम जनमानस की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं जिले में बिजली विभाग के लापरवाह रवैये से नाराज विधायक द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से सूचित करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जले ट्रांसफार्मर, जले तार और बिजली की बिल की अतिशय मार से परेशान लोगों की शिकायत पर धरने पर बैठे। वहीं 11 बजे से चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त करने विधायक को मनाने प्रशासनिक अमला लगा रहा, परंतु प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों सहित बिजली विभाग के अधीक्षक यंत्री सहित अधिकारियों और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को बैरंग वापस जाना पड़ा। साथ ही विधायक द्वारा अपनी मांगों को लिखित आश्वासन और छोटी समस्या को तुरंत निराकरण का समय लिखित देने की मांग पे अड़े रहे। वहीं देर रात 12 बजे जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी सहित पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत मौके पर पहुंच ज्ञापन ले जल्द से जल्द मांग को पूरी करने का आश्वासन दे धरने को समाप्त की मांग कर धरना समाप्त करवाया। बिजली का बिल देखिए, ये सारी अव्यवस्थाओं को लेके जले हुए ट्रांसफार्मर दो दो तीन तीन महीने से नहीं बदल रहे हैं, तो कैसे लोग जिएंगे? बिजली के बिना तो संभव नहीं है। अब या तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके यहाँ भी डिस्कनेक्ट कर दी जाए बिजली, एसी से बाहर निकाल दिया जाए तो समझ में आए। एक तो अधिकारी जाते नहीं, फील्ड में जाएं देखें, गांव गांव में खंभे लटक रहे हैं, तार लटक रहा है, दुरुस्त करने के लिए कई बार हम लोग लिख के दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, वो मेंटेनेंस करने का इनके पास समय नहीं, पैसा नहीं, बोले केबिल नहीं मिल रही है, तो बिल वसूलने में सबसे आगे जिन ट्रांसफार्मर जला है लोग बिजली उपयोग नहीं कर रहे हैं, कई का जगह खंभा गड़ा है, तार नहीं खींचा है, वहाँ भी बिल आ रहा है, ट्रांसफार्मर जला है बिल उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिजली नहीं उपयोग कर रहे तो भी बिल आ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार तो बिजली विभाग के लोग हैं, सरकार जिम्मेदार है, कहाँ से गरीब किसान देंगे? इसलिए आज ये अनिश्चितकालीन धरना करने का हमने तय किया है, ये कोई सभा नहीं है, और क्योंकि खेती किसानी का भी टाइम है, शादी ब्याह का सीजन है, इसलिए कोई पब्लिक मीटिंग न करके हमने ये तय किया है कि हम विधायक होने के नाते क्योंकि लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमने अकेले ये तय किया है कि हम कुछ साथियों के साथ धरना देंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। और ये धरना आप देखते हैं कि सरकार कितने दिन चलाती है, हम तो अनिश्चितकालीन यहाँ पे आए हैं, और कब इसका निराकरण करते हैं, जब निराकरण होगा तभी यहाँ से। भैया कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ खंभे तो हैं लेकिन बिजली की वहाँ लाइट करे काम करते हैं, फिर भी जो और भी समस्याएं जो माननीय विधायक जी यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो और बताई है जाँच पड़ताल करके उसको भी निराकरण करेंगे। आखिर कब तक निराकरण हो पाएगा? लगातार ये दूसरी बार है उनका धरना प्रदर्शन, 5 घंटे चिल्लाते हैं। पहले उनके दूसरे ट्रांसफार्मर थे, अब दूसरे हो जाते हैं, ये तो सतत प्रक्रिया है, लगातार कभी ट्रांसफार्मर ये फेल हो गया, कभी अगला फेल हो गया, तो ये तो हमेशा ही सुधार काम चलता है। पर मंत्री जी का कहना तो ये है कि विभाग अमल नहीं कर रहा है, एक जनप्रतिनिधि का नहीं, विभाग अमल कर रहा है और सप्लाई पोजिशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त रहती है और हम 24 घंटे विद्युत सप्लाई मेंटेन करते हैं, जिसमें कभी कभार मेंटेनेंस के कारण या कोई ब्रेकडाउन के कारण बहुत सारा बड़ी लाइनें रहती हैं, तो उसमें गड़बड़ियाँ भी आती रहती हैं, कभी ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, फिर कोई इंसुलेटर पंचर हो गया, उसमें से वजह से कुछ सप्लाई काफ़ी ज़रूर होती है, और ओवरऑल हमारा 22 घंटे 23 घंटे 22 घंटे 23 घंटे एवरेज सप्लाई से कम नहीं रहती। बहरहाल सिहावल विधायक का बिजली विभाग के खिलाफ पहला आक्रोश नहीं है। पूर्व के दिनों में कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे 5 घंटे खुले आसमान के नीचे धरना दे चुके हैं, परंतु विभाग के सिर पर जू तक नहीं रहेंगी, हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं आज पुनः महीनों बाद दिए गए 11 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद विभाग हरकत में आया, लोगों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ दे, यूं है या पुराने रवैये में ढले जिले के जनप्रतिनिधि को एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर करता है, यह देखना मुनासिब होगा। पोल खोल पोस्ट के लिए सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मेक हैपी योर फेड विद आवर ब्रांड विद SS फुटवेयर, बैरंग का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन विंध्य नगर रोड धोदी, वैडन सिंगरौली मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।